Hi guys, welcome back to my channel. Actually, ये जो वीडियो है क्यूबो का प्रो डैश कैम जो मेरा GPS क्यूबो का प्रो डैश कैम है उसके रिगार्डिंग है. एक्चुअली आज है 1 जून और मई महीने पे 18 मई को मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था. तो उस टाइम वीडियो पे मैंने बोला था जो क्यूबो का ये जो कैमरा है ये घटिया है. हालांकि इसमें जो है हीटिंग इशू है, कनेक्टिविटी इशू है, बट हाँ एक्चुअली कुछ ज़रूरत पड़ने पे मैंने शोरूम पे जाया गया था उस टाइम पे, और ऑलमोस्ट आधा घंटा से एक घंटा देने के बाद जो फुटेज है मुझको मिल गया था. सो एक्चुअली बात यह है कि मतलब जब मेरा गाड़ी ट्रक आके पीछे से हिट किया था तो मैं सामने घसीट के जाके जो मेरा एक सामने स्विफ्ट था उसको भी हिट किया था. तो उसके लिए जो बम्पर पे थोड़ा सा भी मतलब सामने वाला जो बम्पर है उसमें भी थोड़ा डैमेज आया था. सो इंश्योरेंस सर्वेयर जो है वो बोला था जब इंश्योरेंस आप क्लेम करते हो तो एक साइड का ही देता है इंश्योरेंस कंपनी, दो साइड का नहीं देता है. तो इसके लिए जो मतलब इंश्योरेंस सर्वेयर बोला आपके अगर आपके पास कोई भी डैश कैम का फुटेज है, मतलब कोई भी एविडेंस है तो उसके बाद और या पुलिस का FIR होगा तो आपको मिलेगा. सो मेरा जो डैश कैम था तो उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर जाके आधा एक घंटा देने के बाद जो है फुटेज मिला था. एंड उसके लिए ही जो फुटेज के लिए ही जो है सामने का भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अप्रूव किया है. ऑलमोस्ट 40,000 का बिल आया था मेरा, 40,058 रुपीज़ ऐसे. ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाला हुआ हूँ, आप देख लेना. सो जो क्यूबो मतलब ये जो डैश कैम है इसके वजह से ही सामने का हिस्सा मुझको मिल गया था, नहीं तो जो है ऑलमोस्ट मेरा को नियरली 5 to 6,000 का खर्चा आने वाला था अगर मैंने वो जो चीज़ है स्क्रैचेस जो लगा था वो अगर मैं ठीक करने जाता था. तो दिस इज़ द थिंग. इसके लिए मैं बोलता हूँ मतलब आज के टाइम पे आपको एक डैश कैम एटलीस्ट सामने वाला जो है एक फ्रंट जो डैश कैम इसको लगाना ही चाहिए. सो या एंड हाँ इसमें कोई जो है डिसएडवांटेज लाइक हीटिंग इशू है, हीटिंग इशू इसके लिए भी हो सकता है. ये विंडशील्ड पे रहता है ना तो इसमें डायरेक्ट सनलाइट आता है तो इसके लिए हीटिंग इशू भी इसमें है. आई थिंक सारे जो डैश कैम का कंपनी है आई थिंक DDMAI ऐसे करके और एक डैश कैम का कंपनी, सो उसमें भी आई थिंक हीटिंग इशू होगा डैश कैम में. और अगर ये चलेगा तो हीटिंग तो होगा ही. सो दिस इज़ द थिंग. एंड कनेक्टिविटी इशू इसमें है और एक जार्क डिटेक्शन करके कुछ आता है, मतलब जो है अगर गाड़ी आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो या उबर खबर रास्ते पे चलाओगे तो उसमें भी एक जॉल डिटेक्शन करके कुछ आता है. वो चीज़ आप सिस्टम मतलब बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा, वो चीज़ आप ऑफ नहीं कर सकते हो. और थर्ड थिंग इसमें हाई स्पीड अलर्ट करके भी एक आता है, मतलब अगर गाड़ी आपका 80 के ऊपर जाएगा तो जो गाड़ी में तो एक आता है आवाज़ उसमें भी आता है, बट हाँ वो चीज़ आप ऑफ कर सकते हो. सो या दिस इज़ द थिंग. मैंने ये 4,500 रुपये पे लिया था और आई थिंक GPS जो कैमरा है सब अंडर 5,000 में ये ठीक ठाक है. और इसमें और एक भी प्रॉब्लम आता है जो SD कार्ड का, हालांकि इसमें 128 GB तक सपोर्ट करता है. मैंने एक बार लिया भी था ये 128 GB, बट हाँ सपोर्ट नहीं किया था. 128 GB तक Class 10 सपोर्ट करता है, बट मैंने वो ही लिया था, सैंडिक्स का लिया था, सपोर्ट नहीं किया. सैमसंग का लिया, सपोर्ट नहीं किया. और ये जो मेरा एक पुराना है 16 GB क्लास 10 का वो सपोर्ट किया है. तो मतलब मजबूरन मुझको यही लगा के रखना पड़ा. सो दिस इज़ द थिंग. अगर आप ये कैमरा मतलब ले रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन से कार्ड मत खरीद के दुकान पे जाओ, उधर देखो लगा के अगर सपोर्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या बोलूँ मतलब जो कार्ड सपोर्ट करेगा वही लगाना दुकान पे जाके. सो यही बात है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट क्यूबो का प्रो डैश कैम. मतलब आज के दिन पे एक कैमरा लगाना ही चाहिए, मैं यही चीज़ बोलूँगा आपको. सो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो मुझको कमेंट पे पूछिए, मैं जल्द से जल्द जो है रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूँगा. सो या थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट.